हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिफिलिनम के बारे में, जो एक नोसूर की दवाई है। इसको हमको किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज करना है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि नोसूर ग्रुप क्या होता है। दोस्तों, किसी बीमारी का संक्रामक विष पीव या बीज से उसी रोग की दवा तैयार होने पर उसको हम नोसूर्स कहते हैं। दोस्तों, नोसूर्स ग्रुप में एंथ्रासिनम, बेसिलिनम, ट्यूबरक्लिनम, सोराइनम और मेडोरिनम, मेलिनिनम है। ये सब दवाई जो है बहुत ही सावधानी से देना चाहिए और जो है हफ्ते में एक दिन से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सिर्फ हफ्ते में एक बार, जब तक आपका मर्ज नहीं ठीक हो जाता है, तो हफ्ते में एक बार चार गोली इसको जो है देते रहिए, जब तक आराम नहीं हो जाए। लेकिन याद रखिए, इसको डेली नहीं देना है, इसको आपको गोली में देना है। आप इसको दो बूंद ड्राप में भी दे सकते हैं, लेकिन हफ्ता में सिर्फ एक बार। तो दोस्तों, आज का पहला सिम्टम यह है कि जब आप किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, आप जो है बेर सिलेक्टेड रेमेडी दिए हैं, दवाई अच्छा दिए हैं, फिर भी दवाई काम नहीं कर रही है, तो आप जो है बीच में सिफिलिनम का एक डोज दे दीजिए और उसके बाद में वो दवाई का एक्शन बढ़िया हो जाएगा, तो वो दवाई काम करने लगेगी और पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। अगर आपका कोई भी दर्द, पेट का दर्द हो, चाहे माथा का दर्द हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर का दर्द हो, कहने का मतलब है एनी टाइप ऑफ दर्द, अगर आपका दर्द सनसेट टू सनराइज, अगर सूर्यास्त के समय बढ़ता है और सुबह उठते उठते मालूम पड़ता है कि दर्द है ही नहीं है, तो ऐसा सिम्टम बहुत से केस में देखने को मिलता है। तो ऐसे सिम्टम में सिफिलिनम 200 चार गोली हफ्ता में सिर्फ एक बार दे दीजिए, तो एक डोज से ही ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो 8 दिन बाद में फिर दूसरा रिपीट कीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम जड़ से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, जैसा इसका नाम है सिफिलिनम, वैसे जो है यह जो है सिफिलिस की बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर जो है प्राइमरी स्टेज में इसका यूज किया जाए तो सिफिलिस सेकेंडरी स्टेज में नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, सिफिलिस क्या होता है हमको ये बताने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपका सिफिलिस हो गया है तो आप इसको हफ्ता में एक बार करके स्टार्ट कीजिए, उसी पर रुक जाएगा, वो सेकेंडरी स्टेज में नहीं पहुँचेगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि आप रास्ते में अगर जा रहे हैं तो आपको अक्सर दिखाई पड़ता है कि माथे में जगह जगह नोट्स निकल गए हैं, एक गांठ यहाँ निकल गई है। तो ऐसे केस में आप जो है सिफिलिनम 200 चार गोली हफ्ता में एक बार या दो बूंद देते रहिए, आपके माथे में जो जगह जगह नोट्स निकला हुआ है वो आपका जो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है राइट साइड पैरालिसिस। अगर किसी को राइट साइड में पैरालिसिस हो गया है, लेफ्ट में नहीं हुआ है, राइट साइड में हुआ है, वो चाहे चेहरा पर हुआ हो, चाहे हाथ में हुआ हो और चाहे पाँव में हुआ हो, तो आपको सिफिलिनम 200 हफ्ता में एक बार लगातार जो है 3-4 महीने तक दे दीजिए, आपका जो है राइट साइड का जो पैरालिसिस है वो ठीक हो जाएगा। इसका अगला सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन पर। आजकल 80% आदमी कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, क्योंकि जो है उनका डाइट जो है गड़बड़ हो गया है। वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का चीज़ ज़्यादा खाते हैं, गरीब चीज़ ज़्यादा खाते हैं, उनको कब्जियत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर जो है बहुत दिनों का कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी जो है ये बहुत ही रामबाण दवाई है, सिफिलिनम 200 एक डोज हफ्ता में एक बार कुछ दिन तक ले लीजिए, आपका जो है कितना ही पुराना कॉन्स्टिपेशन रहेगा वो आपका जो है दम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि अगर आपको बार बार ब्रोंकाइटिस से परेशान हो रहे हैं, एक बार ब्रोंकाइटिस हो गया तो आपने एंटीबायोटिक खा लिया, इसके बाद में प्लीरसी, आपको जो है लंग्स में पानी हो गया जिसको टीबी बोलते हैं, अगर एक बार हो गया तो दवाई के लिए ठीक हो गया। अगर इसकी टेंडेंसी आपको बार बार हो रही है, इसके बाद में पेरिटोनाइटिस एक जानलेवा बीमारी है। इसमें क्या होता है कि पेट जो है आपका पेट एकदम पत्थर की तरह होता है, एकदम हार्ड हो जाता है, तो हालांकि इसकी दवाई घर में नहीं करनी चाहिए, पेरिटोनाइटिस की दवाई हॉस्पिटल में करनी चाहिए। तो ऐसे केस में जो है सिफिलिनम 200 हफ्ता में खाली एक बार आपको देना है, हफ्ता में एक बार देते रहिए, आपका जो है बार बार ब्रोंकाइटिस नहीं होगा, आपको लंग्स में टीबी नहीं होगा, आपको पेरिटोनाइटिस नहीं होगा। इसका अगला सिम्टम है मेरिस्मस, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। सूखा रोग में यह बहुत अच्छा काम करती है। तो सूखा रोग अक्सर बच्चों में होता है,
तो अगर बच्चों में सूखा रोग हो गया है तो बच्चों को सिर्फ दो गोली हफ्ता में एक बार लगातार दे दीजिए, बच्चे का मेरिस्मस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम सेक्स पर है। अगर किसी को इम्पोटेंसी हो गई है, वो चाहे मास्टरबेशन से हुआ हो, अगर किसी को नाइट फॉल होता है और नाइट फॉल से परेशान है, और इसके बाद में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ग्लीट, इसमें क्या होता है पेशाब के रास्ते से हमेशा कुछ व्हाइट व्हाइट कुछ हमेशा जो है गिरता रहता है, और जो है आपके पेनिस में जो है किसी भी तरह का घाव है, वो तो सिफिलिस का सिम्टम हो गया है। लेकिन इसके अलावा इम्पोटेंसी, नाइट फॉल, ग्लीट, पेशाब के रास्ते में घाव, अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप जो है सिफिलिनम 200 हफ्ता में एक बार कुछ दिन तक ले लीजिए, आपका इम्पोटेंसी भी ठीक हो जाएगा, आपका नाइट फॉल भी ठीक हो जाएगा, आपका ग्लीट भी ठीक हो जाएगा, और आपको जो मूत्र नली में जो घाव हो गया है वो भी आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है जो धात गिरता है जिसको बोलते हैं नाइट फॉल, तो इसमें जो धात स्पर्म जो है इतना पतला होता है कि आपकी जांघिया पर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, लगता है पानी है। तो ऐसे केस में आप जो है सिफिलिनम 200 चार गोली या दो बूंद करके हफ्ता में एक बार लगातार ले लीजिए, तो आपका जो है स्पर्म मोटा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है सेंसेशन ऑफ बर्निंग। चूँकि आप जानते हैं कि बर्निंग की दवाई जो है सल्फर बहुत बढ़िया दवाई है, और उसके बाद में मेड्रोनम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हाथ पैर में इतना जलन होता है कि आपको अगर ठंडी का महीना है, चद्दर उड़े हैं, तो आपको हाथ और पैर बाहर निकालना पड़ता है और पानी से धोना पड़ता है। तो जब पानी आप इस पर लगाएंगे तो आपका जलन कुछ देर के लिए ठीक हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप सिफिलिनम 200 एक डोज हफ्ता में लीजिए, तो आपका हाथ पैर का जलन जो है और जो ठंडे पानी से आराम होता है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि माथे में खजूरी होती है, माथे में रूसी होती है, और इसके अलावा जो है जैसे पंजाबी लोग अपना बाल जो है जटा की तरह बांध देते हैं, आपका इसमें बाल जो है एकदम एक दूसरे से जुड़ जाएगा, आपको कंघी करने में दिक्कत होगी। तो ऐसे सिम्टम में आप जो है सिफिलिनम 200 हफ्ता में एक बार चार गोली लीजिए या दो बूंद लीजिए, लेकिन हफ्ता में एक ही बार लेनी है। माथे की खजूरी ठीक हो जाएगी, रूसी ठीक हो जाएगी, आराम से आप कंघी कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज का अंतिम सिम्टम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि जैसे आपको सर्दी है, हमेशा सर्दी है, आपकी सर्दी पीछा नहीं छोड़ती है, और सर्दी आपकी बहुत पुरानी हो गई है, आप सर्दी से परेशान हैं, आप दवाई करते करते थक गए हैं, तो आपको और दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ सिफिलिनम का एक डोज चाहिए, एक डोज आप खा लीजिए, चार गोली या दो बूंद खा लीजिए, आपकी सर्दी आराम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सिफिलिनम के बारे में कुछ सिम्टम बताया। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में सिफिलिनम Part-2 के बारे में।